जैसी गिल के बाद अब ये पंजाबी सिंगर के साथ काम करने वाली हैं पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि हमारी प्यारी शहनाज गिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शहनाज गिल जो हैं पंजाबी इंडस्ट्री की अब एक बहुत बड़ी नाम बन गई हैं। हर कोई शहनाज गिल के साथ काम करने के लिए बेकरार है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहनाज गिल जो हैं उनके नए प्रोजेक्ट के साथ एक बार फिर से अपने फैंस के बीच में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। वह शहनाज गिल का नया म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग आने वाला है। अगर हम बात करें उस म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग के नाम के बारे में तो उसका नाम होने वाला है जेंटलमैन। जी हाँ, और अगर हम बात करें तो रॉबी सिंह जो है शहनाज गिल के अपोजिट में रहने वाले हैं इस गाने में, और इस गाने को खुद गाया है रॉबी सिंह ने। वेल, अगर हम बात करें शहनाज गिल की तो शहनाज गिल ने भी अपनी प्यारी सी आवाज़ इस गाने को दी है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये गाना आखिरकार कब आउट होगा। लेकिन शहनाज गिल के जो फैंस हैं, जैसे ही शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पोस्टर शेयर किया था, शहनाज गिल के फैंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से जो है इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शहनाज गिल का ये नया एल्बम सॉन्ग कब आएगा, कैसे आएगा और क्या थीम होगा। शहनाज गिल के एक फ़ैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आई कांट वेट एनी मोर, आई एम डैम एक्साइटेड फॉर शहनाज गिल अपकमिंग वीडियो। वेल, अगर हम बात करें शहनाज गिल की तो इससे पहले शहनाज गिल और जेसी गिल का म्यूजिक एल्बम आया था तू कह गई सॉरी, और उससे पहले भुला दूंगा मैं, शहनाज गिल ने अपने एक रोमांटिक और एक अलग ही अंदाज में फैंस का दिल जीता था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेंटलमैन से शहनाज गिल के फैंस कितने ज्यादा खुश होते हैं, शहनाज गिल के लिए और कितने ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि शहनाज गिल जब भी आती है कुछ ना कुछ यूनिक और नया लेके आती हैं अपने फैंस के लिए। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपने जेंटलमैन म्यूजिक एल्बम में शहनाज गिल क्या नया कॉम्बिनेशन लेके आने वाली हैं। और फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि शहनाज गिल के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनके नए म्यूज़िक एल्बम के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, इससे पहले वाला म्यूज़िक एल्बम यानी कि तू कह गई सॉरी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से कर दीजिए, ताकि बॉलीवुड की सारी चटपटी गॉसिप्स मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।